हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। और फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब? होप सो सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, तो आज हम बना रहे हैं सुपर फूड दाना मेथी की सब्जी। और दाना मेथी के तो इतने सारे फायदे हैं, यदि हम उन पे डिस्कस करने लग गए ना तो हमारी पता नहीं कितनी लंबी वीडियो बन जाएगी। इसलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि मेथी की सब्जी बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। सबसे पहले हमें लेना है मेथी दाना। मेथी दाने को मैंने रात को भिगो दिया था, तो मेथी दाने को 7-8 घंटों के लिए भिगो के रखना है। रात भर के लिए भी आप भिगो सकते हो। उसके बाद मैंने तड़के के लिए एक प्याज, हरी मिर्च, ये कड़ी पत्ता और लहसुन, ये हमारे मसाले, धनिया, नमक, हल्दी, रेड चिल्ली पाउडर, ये जीरा और ये राई। में खट्टे मीठे टेस्ट के लिए मैंने लिया है गुड़ और ये लिया है कैरी। तो सबसे पहले फ्रेंड्स मैंने लिया है एक पतीले में पानी, जिसे मैं गर्म होने देती हूँ। पानी में एक उबाल आ जाए तब तक हम इसे गरम करेंगे। उसके बाद हम अपनी मेथी डाल के उसमें 2-3 मिनट के लिए अपनी मेथी को पकाएंगे। तो फ्रेंड्स, हम सब जानते हैं कि हमारे दादा, दादी, नाना, नानी वो मेथी का सेवन करते थे। सर्दियों में वो मेथी के लड्डू बना के छोड़ते थे और सारी सर्दियां खाते थे और 100 साल तक स्वस्थ निरोगी जीवन वो जीते थे। तो मेथी के बहुत सारे बेनिफिट है। मेथी पोषक तत्वों से भरपूर होती है। मेथी में कैल्शियम, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, फाइबर, कार्बोहाइड्रेट और सब कुछ जो हमें बॉडी के लिए चाहिए होता है वो सब कुछ मेथी में होता है। मेथी से बीपी कंट्रोल में रहता है, शुगर कंट्रोल में रहती है और मोटापे के लिए भी मेथी रामबाण का काम करती है। यदि आप मोटापे को कम करना चाहते हो तो आपको मेथी का सेवन करना चाहिए। आप चाहें तो मेथी को रात को भी पानी में भिगो सकते हो और सुबह उस पानी को पी लेना। मैंने भी इस मेथी का पानी सुबह उठते ही बासी मुंह वो पानी मैंने पी लिया था। और शुगर के मरीज के लिए तो रामबाण का काम करती है मेथी। मेथी को यदि शुगर के पेशेंट अपने डेली रूटीन में शामिल करते हैं तो धीरे धीरे करके उनकी सारी शुगर कंट्रोल हो जाती है। और जॉइंट पेन तो होगा ही नहीं, क्योंकि हम देखते हैं जो हमारे बुजुर्ग थे उनको 100 साल तक वो हेल्दी लाइफ जीते थे। ना उनके दांत गिरते थे, ना उनकी आंखें कमजोर होती थी और ना ही उनको जॉइंट पेन वगैरह की कोई दिक्कत होती थी। बट आज तो पता नहीं हर किसी को बहुत छोटी उम्र में भी जॉइंट पेन जैसी समस्या हो गई है। क्योंकि क्योंकि हमने वो पहले वाला खाना पीना छोड़ दिया है। मैं थोड़ा सा इसका छिलका उतार लेती हूँ, कच्ची कैरी का, क्योंकि ये थोड़ा सा कड़वा टेस्ट देगा नहीं तो। और आधी कच्ची कैरी डालूंगी फ्रेंड्स मैं सिर्फ। तो ये देखिए हमारे पानी में अच्छे से बॉईल आ गया है। अब हम इसमें डालेंगे हमारा मेथी दाना और 2 से 3 मिनट तक इसको कुक कर लेंगे। बस एक बार और उबाल आ जाए तब तक हम इसको कुक कर लेंगे। और जब तक हमारी मेथी 2-3 मिनट के लिए पकती है, हम अपने लहसुन को क्रश कर लेते हैं। मैं इसमें क्रश कर रही हूँ। आप चाहें तो छोटे छोटे पीस काट के भी डाल सकते हो। इसकी खूब कुटाई, पिटाई, छिटाई सब कर लेंगे। तो हमारी मेथी अच्छे से बॉईल हो गई है। तो फ्रेंड्स अब हम मैं इसको साइड में रख देती हूँ और इसको अच्छे से छान लेंगे। और ये पानी फ्रेंड्स हो सके तो फेंकना नहीं, इसको पी लेना। हाँ, बस एक बात का ध्यान रखना कि मेथी यूज करने के बाद आपको चाय नहीं पीनी होती है। यदि आप चाय पीने की आदत है, या तो आप आधा घंटा पहले पी लीजिए, या फिर आप मेथी के सेवन के आधा घंटा बाद ही चाय पीजिएगा। अब हम करते हैं अपने तड़के की तैयारी। ये ले लिया है मैंने एक पैन और मैं इसमें डाल रही हूं सरसों का तेल, 2 से 3 चम्मच। आप चाहें तो रिफाइंड में बना सकते हो, घी में बना सकते हो, ये टोटल आपकी चॉइस रहेगी। तो हमारा तेल हो गया है गरम। मैं इसमें डाल रही हूं थोड़ी सी राई के बीज और साथ में ही मैं डालूंगी जीरा। इसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ कड़ी पत्ता,
अब इसमें मैं डालूंगी हमारे चॉप किए हुए प्याज और हरी मिर्च और ये हमारी कच्चे आम की कैरी। इसको थोड़ा सा हल्का सा भून लेंगे, बहुत ज्यादा भूनना नहीं है आपको, कि आप बिल्कुल जला ही दो इसको, थोड़ा सा हल्का सा भूनते हैं इसको। तो फ्रेंड्स जैसा कि हम जानते हैं कि आज के दिन तो हर घर में शुगर के पेशेंट हो गए हैं। यदि आप चाहते हो कि आपको कुछ शुगर कभी ना हो तो आप अपनी दिनचर्या में मेथी का सेवन जरूर शुरू कर दें। यदि आपको शुगर हो गई है किसी को, तो वो बंदा भी यदि मेथी का सेवन करता है तो धीरे धीरे करके उसकी शुगर ठीक हो जाएगी। मेथी जो है बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और गुड कोलेस्ट्रॉल और जॉइंट पेन के लिए तो रामबाण का काम करती है मेथी दाना। आजकल बहुत छोटी कम उम्र में ही घुटनों के दर्द शुरू हो जाते हैं और डॉक्टर जाते ही बोलते हैं कि नी रिप्लेसमेंट करवाओ। यदि आपने मेथी का यूज करना शुरू कर दिया तो आप में वो प्रॉब्लम कभी नहीं आएगी। ये हमारे प्याज हल्के भून गए हैं, अब मैं इसमें डाल रही हूँ हमारा कच्चा आम, थोड़ा सा और भून लूंगी। अब हम इसमें डालेंगे अपने सभी मसाले, ये मिर्च, हल्दी, नमक और 2 चम्मच धनिया। और साथ में ही मैं डाल दूं फ्रेंड्स हमारा कुटा हुआ लहसुन, इसको थोड़ा सा भून लेंगे मसालों के साथ। ये देखिए हमारे मसाले हैं। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसको 1-2 मिनट के लिए पका लूंगी ताकि ये सब अच्छे से गल जाएं। और हाँ फ्रेंड्स, ये रेसिपी मेरी नानी माँ की रेसिपी है। मैं नानी के घर जाती थी ना तो नानी बनाती थी, ये बड़ी टेस्टी बनती थी और मेथी हमारी बिल्कुल भी खारी, टेस्टी और मीठी बनेगी। तो फ्रेंड्स मेथी हमारी बिल्कुल भी कड़वी नहीं बनेगी। हमने रात भर इसको भिगोया है, फिर सुबह 1-2 मिनट के लिए इसको पानी में बॉईल किया है तो उसका सारा कड़वाहट निकल गई है, तो सब्जी हमारी। तो 2 मिनट हो गई है फ्रेंड्स और हमारे मसाले तेल छोड़ चुके हैं। हम इनको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। मेथी की तासीर ना फ्रेंड्स गर्म होती है, इसीलिए वो सर्दियों में लड्डू खाए जाते हैं मेथी के। गर्मियों में आप सब्जी बना के खा सकते हो, सुबह सुबह मेथी का पानी पी सकते हो। अब हम डालेंगे इसमें हमारी मेथी दाना। और साथ में ही हम इसमें डाल देंगे अपना गुड़। आप चाहें तो चीनी भी डाल सकते हो, लेकिन गुड़ ज्यादा अच्छा रहेगा। उसके हमने कच्चा आम डाला है ना, उसके टेस्ट को बैलेंस करने के लिए हमने इसमें गुड़ डाल दिया है। अब हमारी मेथी की सब्जी खट्टी मीठी बड़ी टेस्टी बनेगी। अब हम डालेंगे इसमें थोड़ा सा पानी ताकि मेथी में सारे मसाले अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए। पानी की मात्रा आप अपने हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हो। आपको सूखी सूखी सब्जी चाहिए तो आप कम पानी डालना, तो आपको ग्रेवी वाली सब्जी चाहिए तो आप ज्यादा पानी डाल लेना। और आम फ्रेंड्स देखो मैंने आधा ही आम यूज किया था। अब मैं इसको 8-10 मिनट के लिए मीडियम आंच पे पका लूंगी। तो सुपर फूड मेथी की सब्जी रेडी है फ्रेंड्स। ये देखिए, आपको यदि खट्टा मीठा टेस्ट पसंद नहीं है तो आप इसको ऐसे ही सिंपल प्याज के तड़के। अब मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ी सी मेथी, सूखी मेथी। आप चाहें तो इसमें धनिया भी डाल सकते हो। आपको यदि खट्टा मीठा टेस्ट पसंद नहीं है तो आप सिंपल प्याज के तड़के के साथ भी बना सकते हो, अदरक भी डाल सकते हो, गरम मसाला भी डाल सकते हो, आपको जो पसंद है आप डाल सकते हो। अब हम इसको ट्रांसफर कर लेते हैं बाउल में। ये देखिए फ्रेंड्स कितनी अच्छी बनी है। हाँ फ्रेंड्स, यदि आप भी निरोग और स्वस्थ लाइफ जीना चाहते हो और अपनी फैमिली को भी निरोग और स्वस्थ देखना चाहते हो तो मेथी की सब्जी
जरूर बनाइएगा। आपको यदि मेथी की सब्जी की रेसिपी अच्छी लगी हो प्लीज मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू फ्रेंड्स।